सोमवार को नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पर्यावरण विभाग अध्यक्ष मनीष चांदीकर व पूर्व नगर सेवक वार्ड 33 मनोज गावंडे ने पश्चिम मतदान संघ के विधायक विकास ठाकरे के मार्गदर्शन में शहर के रेडिसन ब्लू होटल के सामने, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का निवास स्थान है, वहां के पेड़ पानी की कमी के कारण सूख गए हैं, इसके लिए आंदोलन कर खेद व्यक्त किया। पश्चिम नागपुर विधायक कांग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे, पूर्व नगर सेवक मनोज वार्ड 33 गावंडी और मनीष चांदीकर शहर अध्यक्ष पर्यावरण प्रभाग नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में जयप्रकाश नगर चौक से रेडिसन होटल चौक से नरेंद्र नगर पुलिया तक पानी की कमी के कारण 40 से 50 पेड़ मर गए। रेडिसन होटल चौक से लेकर नरेंद्र नगर चौक तक विभिन्न गीत पंक्तियों के साथ चौक पर कई आकर्षक जागरूकता बोर्ड लगाए गए थे। G20 शिखर सम्मेलन के 1.5 साल पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा हरा नागपुर सुंदर नागपुर के नारे के साथ पौधारोपण किया गया था। केवल मनीष चांदीकर ने विरोध किया कि यह नाम केवल बातें करने के लिए है। देवेश गैधा ने सोनू तिवारी, किशोरी गिद, सचिंदर मड़के, राहुल थुल, शिशिर विल्सन, जितेंद्र खंडाकले, सुभाष पेंडारकर, दीपक डांगे, राजेश कामरे, विलास राउत, मैनुअल डिसूजा, राजेश चालीस गांवकर, सुशील वाहनी, विक्की वर्मा, रोशन तीतरमारी, जय धोले, विवेक पडोरे, रंजित मेश्राम, इन्होंने आंदोलन कर खेद व्यक्त किया। चलो फिर नहीं तो आज हम माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी साहब के घर के सामने खड़े हैं, जयप्रकाश नगर से नरेंद्र नगर जाने वाली पुलिया की ओर। हम देख रहे हैं कि उनके घर के सामने जितने भी 40 से 50 पेड़ उन्होंने लगाए हैं, मंत्रालय द्वारा लगाए हुए पेड़ पूर्ण रूप से सूखे, 40 से 50 पेड़। और हमने एक उसमें एक छोटे छोटे स्लोगन दिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। प्रशासन एकदम मदमस्त है, प्रशासन सो रहा है, यहाँ पर नगर सेवक कोई भी उपस्थित नहीं है, क्योंकि नगर सेवक की अभी वो माजी हो चुके हैं। तो प्रशासन ने मनपा के आयुक्त चौधरी जी ने ध्यान देना चाहिए। एक तो इनके पास स्टाफ की कमी है। अभी हमने पिछले महीने देखा था कि गडकरी साहब ने, केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब ने जनता दरबार लिया था मनपा में और उनको दिशा निर्देश दिए थे, परंतु गडकरी साहब के घर के सामने की अगर झाड़ों की व्यवस्था ये है तो ये भी प्राणी है, इनमें भी जान है, हमारे जैसा इनमें भी जान है, ये मर रहे हैं। तो हम गडकरी साहब से आग्रहपूर्वक विनंती करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे अधिकारियों पर एक्शन ली जाए, ताकि ऐसे वृक्षों की हत्या ना हो सके एक प्रकार से। और जल्द से जल्द जितने भी झाड़ अभी बचे हुए हैं उनको पानी देना चाहिए और उनका संगोपन करना चाहिए। मैं फिर से एक बार पर्यावरण विभाग नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से माननीय विकास भाव ठाकरे इनके मार्गदर्शन में ये हमने आज कार्यक्रम लिया है और हम चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द दिशा निर्देश दे के झाड़ों को जो मर चुके हैं उसकी जगह पर दूसरे लगाए, ताकि जनता का पैसा, उनकी गाड़ी कमाई मेहनत का पैसा इस प्रकार से व्यर्थ ना हो। धन्यवाद। आज पर्यावरण सेल नागपुर शहर यांच्या द्वारे एक जनजागृती म्हणून, कारण प्रशासन हे करोडो रुपये खर्च करून शहराचं सुंदर शहराचं सौंदर्यीकरण करत आहे, पण एकीकडे आपण पाहत आहोत की रस्त्यावर जे सौंदर्यीकरणासाठी जे झाडं लावलेले आहे ते सुकून मुळसा झालेले आहे, कारण शेवटी जनतेचा पैसा हा चांगल्या कामासाठी लागलेला पाहिजे आणि प्रशासनाने याकडे लक्ष दिलं पाहिजे। याकडे पुष्कळ दिवसापासून आम्ही बघत आहोत की हे असे सुकलेले झाडं हे असेच लागलेले आहे, यात प्रशासनाने नवीन झाडं लावून या सौंदर्यीकरणात भर घातली पाहिजे, हा आमचा इथे उद्देश आहे। कारण पर्यावरण हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे, जनतेच्या स्वास्थ्यासोबत याचा निगडित संबंध आहे, आणि जर याकडे प्रशासनाने लक्ष दिलं नाही तर आम्ही आमच्या स्वतःच्या पैशांनी, जनतेच्या पैशांनी परत इथे नवीन झाडं लावू, एवढंच आम्ही आज इथे सांगू इच्छितो। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।